दोस्तों आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लालबाग मार्केट सीतापुर। ठीक है, तो मेन मार्केट को हम कवर करेंगे, सारा सीन दिखाएंगे मार्केट का, किस तरीके से वहां पर भीड़ रहती है, साथ ही साथ एक और जानकारी शेयर करना चाहेंगे। फिलहाल अभी हमारे साथ देख सकते हैं कपिल भाई हैं, जो कि अभी गाड़ी चलाएँगे और आगे का सीन हम शूट करेंगे। साथ ही साथ आप उनको बता दें, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते हैं कि भैया जो है कपड़े वालों की जो दुकानें होती हैं, यानी थोक, जहां पर थोक में जहां पर कपड़ा मिलता है, ठीक है, फुटकर नहीं थोक में, ठीक है, तो वो जैसे दुकान डालना चाहते हैं तो कहते हैं भैया वहां का रेट बता दीजिए, क्या रेट चल रहा है, कहां पर कौन सा सामान मिलता है, इस तरीके से जो है उनके कमेंट आते हैं। ठीक है, तो तरह तरह की दुकानों के कमेंट आते हैं कि इस तरीके से ये सामान कहाँ पर भैया मिलता है, तो इस पर वीडियो बनाइए। तो फिलहाल जो भी दुकानें हैं लालबाग मार्केट में, अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है और अगर वो अपनी दुकान का, ठीक है, वीडियो बनवाना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है, कमेंट के माध्यम से कर सकता है। फिलहाल के लिए हम मोबाइल नंबर एक जारी कर रहे हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा वहाँ से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर फुटकर दुकानदार थे, वो जूता बना रहे हैं, ठीक है, तो जूता किस तरीके से बना रहे हैं तो अभी हम लास्ट में दिखाएँगे आप लोगों को। अभी फ़िलहाल हम गए थे एक दुकान पर, वहाँ से दो देख सकते हैं अमूल के, ठीक है, इस तरीके से दो पैकेट लिए थे क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी इस समय पर, तो वहाँ पर गए, हमारे साथ में कपिल भाई थे, ठीक है, तो एक दुकान पर रुके। ये खोया वाली गली बोली जाती है, ठीक है, पहला वाला जो गेट है उसी के साइड में, तो दुकानदार भैया थे, उनसे मैंने पूछा था, बोले कि खोया मंडी वाली जो ये रोड है तो उसे खोया मंडी वाली रोड बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग रुके 15 से 20 मिनट, फिर वहाँ से हम लोग निकले तो देखा था कि भैया वहाँ पर जूते बना रहे थे। किस तरीके से बना रहे थे, इस तरीके से देख सकते हैं ये लेदर वाले जूते बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अभी इसका सोल भी तैयार कर रहे हैं, तो सोल पर देख सकते हैं यहाँ पर ग्लू लगा रहे हैं, तो सूखने के लिए रखेंगे, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, वरना आप लोगों को कंप्लीट एक जूता कैसे बनाया जाता है वो सारा सीन दिखाते हैं आप लोगों को। फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए यह वीडियो बनी है और साथ ही साथ अभी हम दिखाने वाले हैं पहले गेट से लेकर और दूसरे गेट तक हम सीन कवर करके दिखाएंगे, जो भी दुकानें पड़ेंगी, जिस तरीके से माहौल रहता है वो दिखाते हैं। देख सकते हैं पहला गेट है और गेट के नीचे बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है, लेडीज़ वाली सभी दुकानें यहाँ पर, स्लीपर से लेकर और लेडीज़ के लिए यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं छोटी छोटी, यहाँ पर लेडीज़ वाला ही सामान मिलता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जस्ट इसके पास में ही आप उनको बता दें, जैसे कटे फटे नोट हैं तो वो चेंज किए जाते हैं, बाकी गेट के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो ज्वेलर्स की दुकानें ज़्यादा हैं और सब्जी की दुकानें भी यहाँ पर लगती हैं, लालबाग मेन मार्केट में लगती हैं। ठीक है, तो मेन मार्केट का सीन दिखा रहे हैं भी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से सीन देखने को मिलता है, ये यहाँ पर है सब्जी वाली दुकानें लगती हैं, सब्जी देखते हैं, सारी यहाँ पर दुकानें सब्जी वाली हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जूते चप्पल इस तरीके की यहाँ पर दुकानें मिल जाएंगी, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो थोक का काम करती हैं, थोक में सामान को बेचती हैं, साथ ही साथ वो फुटकर को बेचती हैं। तो आप लोगों को बता दें, जैसे कपड़ा कोई लेना चाहता है तो बुधवार और शनिवार को 2 दिन यहाँ पर जो है थोक वाली मंडी लगती है, कपड़ा मंडी लगती है बोला जाता है। तो पहला वाला जो गेट है वहाँ से बाएं साइड में रास्ता कटा है, ठीक है, तो वहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को सारी दुकानें कपड़े की मिल जाएंगी। ये सेकेंड नंबर गेट है, ठीक है, वहाँ पर इस तरीके से घड़ी का सिंबल बना हुआ है, ये सेकेंड नंबर गेट है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद रिटर्न होकर पीछे से भी सीन दिखाते हैं, वापस हम पुनः पहुँचेंगे पहले वाले गेट तक, ठीक है, जो भी चीज़ें छूटी हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। तो पुनः हम यहाँ से मुड़ लिए हैं, ठीक है, तो ये दूसरे नंबर वाला गेट है, दूसरे साइड से हम पुनः उसी रूट पर हम रिटर्न हो रहे हैं, तो पीछे से कुछ ऐसा सीन दिखाई पड़ता है और पहले वाले गेट तक चलेंगे, जो भी दुकानें छूट रही हैं उनको कवर करते हैं, और कुछ इस तरीके से सीन दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को बता दें, शनिवार को यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, और संडे को बता दें मार्केट पूर्ण रूप से बंद रहती है, एक आधी दुकानें आप लोगों को खुली मिलेंगी, ठीक है, सीतापुर जो है संडे को बंद ही रहती है। तो फिलहाल के लिए अगर कपड़े की दुकान है आपकी, सामान लेना चाहते हैं तो बुधवार को आइएगा, तो आप लोगों को यहाँ पर सामान मिलेगा, सीतापुर में कपड़ा मंडी लगती है, वहाँ पर बहुत सारा रेट रहता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो सारा सीन देख सकते हैं। और यहाँ पर परचून वाली दुकानें यानी किराना की दुकानें बहुत ही ज़्यादा हैं, पहले वाले गेट से और दूसरे वाले गेट के मध्य में, ठीक है, तो मेन रूप से यहाँ पर आप लोगों को सामान मिलेगा, थोक भी मिलेगा, फुटकर भी मिलेगा। ये अग्रवाल की दुकान थी और पहले वाले गेट के पास हम जस्ट पहुँच चुके हैं, यहीं पर हम एंड करना चाहेंगे जितनी भी मेन दुकान थी, ठीक है, मैंने सारी कवर कर दी यहाँ तक की, और साथ ही साथ जानकारी वो शेयर करनी थी, वो मेन रूप से जानकारी शेयर करना हमारा मेन पर्पज़ था,
ठीक है, आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।